फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की, तो जैसा कि आपको पता है ऑस्कर 2024 हो चुका है। तो ऑस्कर 2024 में द एकेडमी अवार्ड्स के मेकर्स द्वारा एक वीडियो प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हमें पूरी दुनिया के ग्रेटेस्ट एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले थे, जिसमें भारत की तरफ से SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR के एक्शन सीक्वेंस को भी शामिल किया गया था, जो कि इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ी बात है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में RRR के अलावा ऐसी कौन सी फिल्में बनती हैं इसके बारे में लोग इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन सी फिल्मों में पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन सिनेमा का नाम ऊंचा कर सकती हैं? भीम, इन तुच्छे राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है आ! जैसा कि हमने फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि सलमान खान की अगली फिल्म डायरेक्टर AR मुर्गादास के साथ होने वाली है, जिसे साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन के अंडर बनाया जाएगा। तो इस खबर को लेकर बॉलीवुड हंगामा ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये फिल्म सलमान खान की फिल्म किक का सिक्वल होने वाली है। पर साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया कि सलमान खान और AR मुर्गादास की ये फिल्म किक 2 नहीं बल्कि एक नई फिल्म होगी, जिसे पूरी तरह से एक नई कहानी के ऊपर बनाया जाएगा। आपको बता दें, सलमान खान और AR मुर्गादास की ये फिल्म एक बड़ी एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे लगभग 400 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। और वहीं इस फिल्म की शूटिंग भारत के साथ पुर्तगाल और कई यूरोपियन देश में किया जाएगा। और ज्यादा चांसेस है कि सलमान खान की ये फिल्म हमें ईद 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिले। अभी तक इस फिल्म को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें इस फिल्म को लेकर कई बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी। प्रोड्यूसर संदीप सिंह, जो कि अपना डायरेक्शन डेब्यू करने जा रहे हैं, उनकी आने वाली फिल्म ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसमें हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिखाया जाएगा। इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी यानी सई भोसले के कैरेक्टर में आशा भोसले की ग्रैंड डॉटर जनई भोसले को कास्ट किया गया है। अभी तक छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर के लिए किसी भी एक्टर को फाइनलाइज नहीं किया गया है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि डायरेक्टर संदीप सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर के लिए रणवीर सिंह को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रणवीर सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर बराबर से प्ले करेंगे। तो देखना होगा कि डायरेक्टर संदीप सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर में कौन सा एक्टर देखने को मिलता है। आपको बता दें, डायरेक्टर संदीप सिंह की ये फिल्म हमें 19 फरवरी 2026 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। वैसे आप छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर में कौन से एक्टर को देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में बताएं। जैसा कि हमने फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि सलमान खान और सूरज बड़जात्या की आने वाली फिल्म प्रेम की शादी से सलमान खान बाहर हो चुके हैं, और अब डायरेक्टर सूरज बड़जात्या इस फिल्म को किसी नए एक्टर के साथ बनाने वाले हैं। तो अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि सूरज बड़जात्या अब इस फिल्म को शाहिद कपूर के साथ बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इससे पहले सूरज बड़जात्या ने शाहिद कपूर के साथ विवाह जैसी फिल्म को बनाया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। तो अब कहा जा रहा है कि उनकी आने वाली फिल्म प्रेम की शादी में हमें शाहिद कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि इस खबर को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। वैसे आप सूरज बड़जात्या और शाहिद कपूर का ये कॉम्बिनेशन दोबारा से देखना पसंद करेंगे या नहीं? बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अजय देवगन की फिल्म शैतान ने अपने रिलीज के तीसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ इस फिल्म ने 3 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 54 करोड़ का नेट कलेक्शन और 64 करोड़ 25 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं इस फिल्म ने 3 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ इस फिल्म ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 79 करोड़ 25 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं मेकर्स की माने तो मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि शैतान ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ 31 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो ट्रेड के कलेक्शन में और मेकर्स के कलेक्शन में हमें लगभग 1 करोड़ का अंतर देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा कि अजय देवगन की फिल्म शैतान का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। अगर कोई भी पास में आएगा ना, तो चाकू भूक देना। ओके, थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो, तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।